रतलाम जिले के ढोढर में पुलिस ने डोडा चूरा भरकर ले जा रहे एक तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह तस्कर कार में अवैध डोडा चूरा भरकर ले जा रहा था। रास्ते में पुलिस के रोकने पर पुलिस दल पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था, जिसमें पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। आरोपी कार चालक साजिद अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला था। पुलिस आरोपी को तभी से तलाश कर रही थी। आरोपी काफी शातिर है, वह बार बार अपनी जगह बदलता रहता था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर सेल की मदद ली और अब पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। महीने में NDPS के केस में एक कायमी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति डोडा चूरा लेकर के जा रहा था और जब उसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार करके भाग गया। उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था और तभी से उसको ढूंढने का प्रयास चल रहा था। बीच में डायरी IA थाने में शिफ्ट हुई और IA थाने की पूरी टीम ने प्रयास किया और पिछले कई समय से बहुत जगह दबिश दी और अल्टीमेटली इसको फिर 20 तारीख को हमने गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति का नाम साजिद मेव है। सर, ये कितने समय से फरार था? जनवरी में जब से अपराध कारित हुआ उसके बाद से ये लगातार फरार चल रहा है। 44 किलो डोडा चूरा पकड़ाया था। अन्य किसी अपराध में शामिल है? अन्य किसी अपराध का अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन जानकारी एकत्रित की जा रही है। पूर्व में इसके द्वारा तस्करी वगैरह की गई होगी? संभावना है, उसकी जाँच की जाएगी और हम इसका PR भी लेंगे, उसमें उसका पूरा पता लगाया जाएगा। क्या इसके कहीं से लिंक जुड़े हुए कुछ ऐसी जानकारी? बिल्कुल, इसीलिए PR इसीलिए लिया जाएगा कि इसने कहाँ से खरीदा, क्या ये उसका उपयोग करने वाला था, इसकी पूरी जानकारी एकत्रित की। कहाँ का रहने वाला सर? ये उमठ पालिया थाना जावरा औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।